हेलो, गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं महिमा एक बार आपके साथ फिर से जुड़ गई हूँ और टीचर्स पॉइंट पर आप सभी का स्वागत है। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, वाक्य रचना की ओर चल रहे हैं हम लोग, और मैंने काफ़ी क्लासेस दे दी हैं इसके लिए, और मैं सोचती हूँ आप सब लोग कर रहे होंगे, समझ रहे होंगे और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, राइट। अब हम चलते हैं। मैं अब इस आज जो चर्चा करूंगी उसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि मैं क्या क्या सिखा चुकी हूँ वाक्य रचना के अंतर्गत और क्या क्या आपका बाकी रह गया है सीखने के लिए, राइट। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा है? हमने कर्ता बनाना सीखा। क्या सीखा? कर्ता बताया, और जिसको हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? कर्तरी। आपने क्या सीखा? कर्ता सीखा, जो संस्कृत में कर्तरी कहलाया। फिर आपने क्रिया सीखी जो संस्कृत में धातु कहलाती है। क्रिया है या क्रियापद है या धातु है ना? ये क्रियापद भी कहलाती है और धातु भी कहलाती है। फिर हमने इसके बाद क्या सीखा? कर्म सीखा, जिसे संस्कृत में भी हम कर्म बोलते हैं। ओके, यहाँ एरो लगा लेते हैं, राइट। अब इसके बाद जो हमने सीखे संस्कृत में, जब हमारे पास हमने कर्ता सीख लिया, क्रिया सीख ली, कर्म सीख लिया, तो हमें इसके बाद हमने पुरुष सीखे। पुरुष है ना? संस्कृत में पुरुष कितने प्रकार के? मध्यम पर्सन जैसे बोलते हैं, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ये हमने पुरुष सीखे, राइट। और फिर हमने पुरुष के साथ क्रिया का कॉम्बिनेशन मिलाने के लिए हमने कि पुरुष है एक वचन सीखे, है ना? पुरुष के बाद हमने सीखा जो पुरुष होते हैं वो एक वचन में भी होते हैं, द्विवचन में भी होते हैं और बहुवचन में भी होते हैं, राइट। इसके बाद हमने जब वचन सीख लिए तो लिंग सीखे, क्योंकि हमारा लिंग के साथ भी साथ पड़ता है, हमें पता है कि ये लिंग है, तो इसके लिए हमें स्त्रीलिंग लगाना है, ये पुल्लिंग लगाना है, जो शब्द जिसका होता है नपुंसक लिंग है तो नपुंसक लिंग लगाना है, राइट। इसके बाद ये हम और आगे चले, वचन लिंग सीख लिए, तो हम इसके बाद हमने इनका आपस में मेल करना बताया, पुरुष वचन और लिंग का, पुरुष वचन और प्रथम पुरुष के साथ क्रिया कौन सी लगेगी, क्रिया और कर्ता का मेल कॉम्बिनेशन बताया, कर्म का कॉम्बिनेशन बताया। क्या बताया? कर्ता जो है हमेशा प्रथमा विभक्ति में लगता है, क्रिया कर्म जो है द्वितीया विभक्ति में लगता है, और क्रिया जो है कर्ता के अनुसार लगाई जाती है। अगर हमारा कर्ता एक वचन का होता है तो क्रिया भी एक वचन की लगाई जाती है, क्योंकि आपने धातु रूप सीखे हुए हैं, है ना? आपने पुरुष सीखे, वचन सीखे, फिर इस लिंग सीखे, फिर आपने क्या सीखा? आपने धातु रूप सीखे, और धातु रूप के साथ आपने कॉम्बिनेशन मिलाना सीखा, राइट। इसके बाद आपने क्या सीखा? आपने सीखा इसके बाद कि धातु रूप तो सीख लिए, अब ये रूप तो सीख लिए, कॉम्बिनेशन तो मिला लिया, यहाँ का जो ये करता है इसके शब्द रूप सीखे। ये क्या सीखा? शब्द रूप बनाना सीखे, और आपको यहाँ पे ये शब्द रूप बनाना सीखे, राइट। और आपको पता है धातु तीन पुरुषों में होती है, धातु जो होती है तीन पुरुष में होती है, ये धातु जो होती है तीन पुरुष में होती है, तीन पुरुषों में होती है और तीन वचनों में होती है, तीन वचन होते हैं। और शब्द रूप क्या होते हैं? शब्द रूप हमारे होते हैं सात विभक्तियों में होते हैं और तीन वचनों में होते हैं। क्लियर? इतनी बात आपको बात अच्छी तरह से समझ आ गई। इसके बाद अब हम क्या सीखेंगे? अब हम आगे और चलेंगे। अब हमें इन ये मेन हमने बेस सीख लिया, राइट। अब बेस सीखने के बाद बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे पास आती हैं। अब जैसे अगर हम आपसे बात करें तो हमारे इसमें अव्यय का भी प्रयोग होता है, और जरूर बनेगा राम, अब अव्यय का प्रयोग होता है। अब हमारे क्या, अब इसके अंतर्गत इतना सीखने के बाद हमें लगता है कि सेंटेंस के बीच में हमारे पास अव्यय भी आ जाते हैं। अब हम अव्यय भी सीखेंगे, हमारे पास प्रत्यय भी अंदर लग जाते हैं, कर, जैसे मैं पढ़कर खेलूंगी, है ना? मैं, ये प्रत्यय भी लग जाते हैं इस, जैसे अब हमारे क्या बचे हैं? ये अव्यय बचे हैं, हमारे पास तीसरा ये कॉम्बिनेशन आ जाता है विशेषण विशेष्य का, विशेष्य का, राइट।
विशेषण विशेष्य का भी कॉम्बिनेशन हमारे पास आ जाता है। फोर्थ नंबर में हम कभी कभी अनुवाद करते समय, अब जैसे अव्यय है, अव्यय जैसे हम लगाते हैं च, राम और श्याम, मैंने तो च लगाते हैं, भी मैं भी आपके साथ चलूँगा तो अपि, है ना, और जैसे तुम कहाँ जा रहे हो तो कुत्र, राइट। अब जैसे प्रत्यय की अगर हम बात करें तो प्रत्यय हमारे पास, मैं पढ़कर खेलूँगा तो कत्वा प्रत्यय, मैं तुम्हारे लिए खाना बना रहा हूँ तो तुमुन कत्वा और तुमुन प्रत्यय, राइट। इस तरीके के हमारे पास प्रत्यय भी आते हैं। विशेषण विशेष्य भी होता है, जैसे विशेषण चंचल लड़का, अब बच्चा चंचल लड़का तो या चंचल लड़की बच्ची, या आप कहें कि कोई भी जो विशेषण होता है, हसमुख बेटी, ना कुछ भी कर सकते हैं। तो चंचलह चंचलह बालकह बालकह, है ना, क्योंकि पुल्लिंग आया तो ये पुल्लिंग बना। अब ये अगर हम करें चंचला बालिका, ये स्त्रीलिंग हो गया। अगर हम बोलें चंचलम मित्रम, चंचलम मित्रम, चंचलम मित्रम, तो ये हमारा विषय इस तरीके से। अब हमें क्या, अगर चंचल बालक आएगा तो हमें बालक है तो पुल्लिंग है तो चंचला लगाएंगे, अगर चंचला बालिका है और बालिका के लिए चंचल आया है तो हम स्त्रीलिंग लगाएंगे, मित्र के लिए चंचल आया है तो नपुंसक लिंग लगाएंगे। तो ये हमें विशेषण विशेष का भी ध्यान देना होता है ना। कहीं कहीं हमें संधियाँ भी देखनी होती हैं, संधियाँ, कहीं कहीं संधियाँ, कहीं कहीं हमें हमारे पास संधियों पर भी हमें विचार करना होता है। अनुवाद में हम संधियों का भी प्रयोग करते हैं, राइट। और कभी कभी हमें समास भी लगाने पड़ते हैं, समास का भी प्रयोग, पर ये इनका, जैसे अगर हम संधि की बात करें तो इधर लिख लेते हैं, संधि की बात करें तो मैं पुस्तकों के घर जाए, पुस्तकों के, पुस्तकों का घर, यह पुस्तकों का घर अच्छा है, तो हम क्या करेंगे, पुस्तकों का घर को लेके, पुस्तकों को घर के लिए हम क्या लिखेंगे, पुस्तकालय, पुस्तकालय, पुस्तकों का आलय, पुस्तकालय, है ना। तो ये हमारा, और इसी तरह से हम कभी कभी समास का भी प्रयोग करते हैं, समास का भी प्रयोग होता है। तो हम कुछ ना कुछ इसमें और भी कुछ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम प्रयोग करते हैं, वो समय आने पर मैं बताऊंगी। बाकी हम इन पर, ये भी हमें चर्चा का विषय होता है कि हमें ये बताना है कि अव्यय आएंगे तो हम कैसे लगाएंगे, और अनुवाद आएंगे, प्रत्यय आएंगे तो हम उसका कैसा प्रयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग के पास ये बचे हुए हैं, ये मैंने आपको अलग अलग टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। आप आई बटन क्लिक करके इन टॉपिक्स को देख सकते हैं। अव्यय सिखाए हुए हैं, प्रत्यय सिखाए हुए हैं, विशेषण विशेष्य सिखाया हुआ है, संधि सिखाई है, समास सिखाया है, सब चीज़ें सिखाई है। ये आपका कॉमन सेंस है कि आपको कैसे उठाना है और अनुवाद में इसे कैसे प्रयोग करना है, राइट। तो चलिए, जैसा मैंने आपको बताया कि ये हमारे 5 तरीके और एक्स्ट्रा हैं कि हमारे पास ये अव्यय, प्रत्यय, विशेषण विशेष्य, संधि, समास, ये सब भी अनुवाद के अंतर्गत आते हैं, अनुवाद के अंदर आते हैं, इन्हें भी हमें समझना होता है। तो मैं इनको, ये क्लासेस मैं आपको दे चुकी हूँ, और अगर आपको इनके बारे में जानना है और समझना है और पढ़ना है तो आप आई बटन पर क्लिक करके आप इन क्लासेस पर जा सकते हैं, और मैं एग्जांपल के द्वारा आपको थोड़े से एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि हमें क्या, हम क्या चाह रहे हैं और किस तरीके से ये अव्यय, प्रत्यय, संधि, विशेषण, संधि, विशेषण विशेष्य कैसे आते हैं हमारे पास, राइट। तो जब सबसे पहले मैं जो आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ वो दे रही हूँ, अब आपको दे रही हूँ कि मैं पढ़ कर कर खेलने के लिए जाऊंगी। अब देखिए जाऊंगी, अब यहाँ देखो बच्चों, यहाँ पर जो ये मैं है, मैं करता है, आपको यहाँ ये देखो दिखा रही हूँ, ये जो है मैं करता है। अब ये पढ़कर, ये जो कर है ये लगा हुआ है, इसमें पढ़ना धातु है लेकिन यहाँ पर कर लगा हुआ है, तो यहाँ पर कौन सा प्रत्यय है, यहाँ पर बना है कत्वा प्रत्यय, राइट, कत्वा प्रत्यय है, और जिसका त्वा शेष रहता है, राइट। और
खेलने के लिए के लिए हमें इस खेल के लिए हमारे पास प्रत्यय आता है तुमुन प्रत्यय, तुमुन है ना, और तुमुन का क्या आता है, तुम शेष रहता है। ओके, तो अब देखो मैं कैसे करूँगी, आपको ये पता है करता है और उत्तम पुरुष एक वचन है, और मैं के लिए क्या लगाएंगे हम, मैं के लिए लगाएंगे अहम, अहम पढ़ने के लिए, देखो पढ़ना होता है पठ, और जब हम कत्वा प्रत लगाएंगे तो पठित्वा, अहम पठित्वा पढ़कर खेलने के लिए, अब खेलने के लिए में तुमन प्रत लगाएंगे तो खेलने को बोलते हैं क्रीड, क्रीडे तुम, क्रीडे तुम खेलने के लिए, क्रीडे तुम खेलने के लिए जाऊंगी, मैं पढ़कर खेलने के लिए जाऊंगी। अब आपको बताया मैं के साथ कॉम्बिनेशन है जाऊंगी, तो मैं में कॉम्बिनेशन क्या होगा, अहम उत्तम पुरुष एक वचन, तो हम गम धातु लिट लकार का उत्तम पुरुष एक वचन लगाएंगे। हमने लिट लकार क्यों लगाया, क्योंकि ये भविष्यकाल है जाऊंगी, है ना, तो आप कौन सा होगा इसका होगा गमिष्यामी, गमिष्यामी क्या बनेगा, गमिष्यति गमिष्यत गमिष्यन्ति गमिष्यसि गमिष्यत गमिष्यत गमिष्यामी, खेलने के लिए जाऊंगी, राइट। अब मैं जैसे दूसरा आपको बता रही हूँ, दूसरा मैं बोलती हूँ राधा नीता और ममता अपना अपना काम कर रही हैं, राइट, है सेंटेंस बड़ा लेकिन अब बहुत छोटा बनेगा। अब ये देखिए इसका उदाहरण हम करते हैं, इसका उदाहरण राधा नीता और ममता अपना अपना काम कर रहे हैं। अब स्त्रीलिंग है तो हमें कोई वो नहीं लगाने हैं विसर्ग या हलंत, है ना, तो राधा नीता और ममता। अब आपका ये जो है और जो है अव्यय है, अव्यय तो और, अब ये तीनों लिख रही राधा नीता और ममता, और के लिए क्या, और का और को क्या बोलते हैं च, हमेशा तीन चार जितने शब्द होते हैं उसके, वैसे ज़्यादातर दो या तीन होते हैं, तो तीन चार या दो जितने भी होते हैं वो च जो लगता है पी आखिरी में लगता है, तो राधा नीता ममता च अपना अपना काम करें, अपना अपना, ये अपना अपना ये भी अव्यय है, राइट, तो अपने अपने को क्या बोलते हैं स्व स्व, कार्य कर रहे हैं, कार्यक्रम है कार्यम कर रही हैं, तो ये देखिए राधा नीता और ममता तीन हो गए यानी बहुवचन हो गया, और लट लगा है ना, कार्यम कुर्वन्ती, क्रीधातु क्रीधातु का लट लकार का करोती कुर्ता कुर्वन्ती, क्लियर। ये इस तरीके से हमारा देखिए यहाँ इस वाले उसमें क्या आया है, अव्यय आया है। नेक्स्ट आप देखिए हम थर्ड सेंटेंस आपको बता रहे हैं, जैसे एक विशेषण विशेष का बता रही हूँ, जैसे मैं ये कहती हूँ कि यह बालक बहुत चंचल है, देखिए यहाँ पर है ये कॉम, ये वाक्य है, ये आपका कर्ता वाक्य सिंपल वाक्य है, इसमें है कि संस्कृत बनेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारी क्रिया नहीं है, राइट, तो यहाँ पे यह है बालक, तो अयम अयम बालक, अभी देखिए यह बालक ये विशेषण विशेष है, और इसके लिए ये बालक जो है पुल्लिंग है, इसलिए हम यह भी जो लगाएंगे पुल्लिंग का लगाएंगे, और पुल्लिंग का ये मैं सिखा चुकी हूँ, क्लास आपको दे चुकी हूँ, इसका जो पुल्लिंग का लगेगा वो भी अयम लगेगा, अयम लगेगा, स्त्रीलिंग में लगता है इयम, नपुंसक लिंग में लगता है इदम, तो यह बालक ये विशेषण विशेष हो गया, है ना, जो पुल्लिंग है वो हम पुल्लिंग वाला लगाए, बालक पुल्लिंग है इसलिए हमने यह भी पुल्लिंग वाला लगाया है ना, तो अति बहुत बहुत हमारा ये आ गया विशेषण विशेष विशेष, और ये हमारा आ गया बहुत बहुत अति अव्यय, राइट, तो अयम बालक अति चंचल, हमने ये भी हमारा विशेषण है चंचल, हमने क्यों चंचल लगाया, हमने बालक है पुल्लिंग है इसलिए चंचल लगाया, अगर ये स्त्रीलिंग होता तो हम चंचला लगाते, नपुंसक लिंग होता तो हम चंचलम लगाते, अस्ति, अभी हम अस धातु के रूप लगाएंगे, अस धातु एक लड़का है इसलिए हमने अस्ति लगाया, अब यहाँ पे आपने बच्चों धातु रूप नहीं लगाए, क्यों नहीं लगाए, क्योंकि यहाँ पर हमारा कर्ता का कोई काम नहीं हो रहा है, देखिए यह बालक बहुत चंचल है,
ये सिंपल एक वाक्य, एक वक्तव्य, एक कहा, एक सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर कोई काम नहीं हो रहा है। जो क्रिया होती है वो कोई काम कर रही होती है ना, काम नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर सिंपल लेते हुए फिर हम इस है की संस्कृत लगाएंगे, और है की संस्कृत जो होती है अस धातु होते हैं, अस्ति स्थ संति। आपने रूप लगाए हैं लेकिन हमें ये है के रूप लगाए हैं, अदरवाइज हम यहाँ पे है के तो नहीं लगाया है ना, हमने यहाँ पे है के तो कुरवंती लगाया, काम कर रहे हैं तो कुरवंती लगाया, राइट। आपने यहाँ पर जाऊंगी का तो नहीं लगाया, आप है कि नहीं लगाते हैं, लेकिन जहाँ काम हो रहा होता है तो वहाँ हम है की संस्कृत नहीं लगाते हैं। जहाँ पर काम, कोई काम नहीं हो रहा है, तो फिर हमें वहाँ की है कि है क्रिया के रूप में उठाना पड़ता है, और है जो होता है उसके धातु रूप होते हैं अस धातु, अस्ति स्थ संति, अस्ति स्थ स्थ है ना। तो ये आपको बात समझ आ गई, राइट। अब जैसे हमने हमने आपको क्या अव्यय के बता दिए, प्रत्यय के बता दिए, विशेषण विशेष ले ली, अब वो संधि ले लीजिए है ना। अब जैसे अब फोर्थ नंबर में मैं आपको बता दे रही हूँ, मैं रोज पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती हूँ, ये अपने आप में पुस्तक जमा आलय है ना, पुस्तकालय, पुस्तकालय से हिंदी में भी बच्चों पुस्तकालय, हिंदी में भी ये संधि बन के आता है, मैं रोज पढ़ने के लिए पुस्तकालय जाती हूँ, ठीक है। अब मैं कर्ता, कर्ता आ गया अहम, रोज के लिए प्रति, प्रतिदिने पढ़ने के लिए, ये फिर वही तुमुन प्रत्यय आ गया, पठितुम पुस्तकालय, पठितुम पढ़ने के लिए पुस्तकालयम, अब ये पुस्तकालय संधि है, वैसे संधि क्या हुआ, पुस्तकालय को जाती हूँ, तो पुस्तकालयम जाती हूँ, गच्छामि, लट लगा गच्छामि, क्लियर। तो इस तरीके से हमारे ये वाक्य में और भी बहुत चीज़ें आती हैं, जब आएंगी तो मैं आपको उसके साथ साथ सिखाऊंगी, पर ये कॉमन चीज़ें आपकी ये होती हैं, राइट। तो आपने लगभग लगभग वाक्य रचना करना सीख ली है। अब मैं बहुत बीच बीच में आपको वाक्य सिखाऊंगी और करना बताऊंगी कि कैसे किए जाते हैं। तो इसके बाद आप देखिए हमने और क्या सीख लिया, यहाँ तक शब्द रूप सीखने के बाद हमने आपको सीख लिया, अव्यय सीख लिए, प्रति, ये मैंने अलग अलग क्लासेस डाली हुई हैं बच्चों, लेकिन वाक्यों में ये किस तरीके से प्रयोग की जाएंगी वो मैंने आपको बता दिया, क्लियर। तो चलिए मैं ये क्लास यहीं क्लोज करती हूँ, नेक्स्ट क्लास लेके आपके पास बहुत जल्दी आऊँगी, तब तक के लिए गुड बाय, ओके, थैंक यू बच्चों।